देखो 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 दादी के भारत माता की जय नहीं से बोलती ना आधे मस क्या करने वाले फ्लैट माता की दे भारत माता की जय। हम लोग लगाने वाले से अभी घर पे अपने घर पे है ना। ओके चलो ए गई चलो हम घर पे लगा रहे हैं ना। ऊंचा करना ऊपर ऊपर ए मोदी जी आदम मम हाथ ऐसे ले रहेंगे कितना अच्छा लगेंगे अच्छा से टाइट पकड़ो जरा मैं पूरा होने के बाद ये देखो उधर देखो उधर के साथ साथ भी कितने अच्छे लग रहे सब सबके घर पे वाह अपने सोसाइटी में मिला गेले हाँ देखे 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 हाँ ये अपने लगे किसको बच्चे को लगा रहे हैं बॉल के लिए लग गए क्या है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोलते बेटू हम मम्मा मुझे क्या करना है बोल हां ये देखो अच्छा लग रहा है जान इधर आ जाओ अब क्या बोलेंगे जय हिंद और बहुत एक्साइटेड हूं 75 इयर्स हो गए अपने को आजादी को मतलब मतलब ऐसे गर्दन अंदर नहीं डालते बेटू ना उसको डेन लो क्या बोलेंगे आदम फालतू की ड्रेस गाइस हम लोग हाय घर पे तिरंगा कितनी अच्छी लग रहा है पूरी सोसाइटी में पीछे की पूरी सोसाइटी में लगा घर की पूरी सोसाइटी में कितने अच्छे लग रहे हैं। हेलो गाइस वेलकम टू माय स्टे रिंकू ऑन योर ऑफिशियल आज देखिए मैं क्या कर रहा हूँ ये देखिए आसाम से मेरी दीदी जब गई थी ना तभी मुन्ने बड़ा चावल आसाम में तो बड़ा चावल बोले और चावल है बड़ा चावल এনেকে শুকাইছো ৰ'দটো দিয়া নাই মোৰ মোৰ ভণ্টি আছে তাই কৈছে কি ধুই মেলি ধুনীয়াকৈ শুকুৱাই কিনি পিঠাগুড়ি বনাবি তাৰপিছত মই ভাবিছোঁ পিঠাগুড়ি বনাম কালি মায়ে ধুই মেলি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ শুকুৱাই থৈছে ডাইনিং টেবুলত এনেকৈ মেলি থৈছে শুকুৱাবলৈ ৰ'দ চ'ত দিয়া নাই ৰ'দটো অকণমান দিছে আকৌ বৰষুণ অকণমান দিছে আকৌ ভাবি কিমান ধুনীয়া লাগিছে না ফ্লেগখন দেখি কিনি এইফালে খিৰিকী ফালে আমিও আজি লগালোঁ মই এনেকৈ দেখিলে বোলো মই অসমলৈ ইমান মনত পৰে মানে বহুত বেছি মনত পৰে আৰু এটা চিন দেখাইছোঁ আৰু এক আপোনালোকক চিজ দেখাই দিওঁ এই দেখি মানে মোদীজীয়ে যো একদম পুৰা মোদী কুৰ্তা উৰ্তা পেনকে বেঠিয়ে দো দিন চে উচকা তবিয়ত ঠিক নাই তো ইসনে কিয়া অভি মোবাইল লেনা শুরু কিয়া ফির কল সে মোবাইল বন্ধ না বেটু ওকে মা ওকে হাই টু করো সবকো হাই টু করো अब कल से मोबाइल छोड़ दोगी ना फिर हम लोग कभी से स्कूल जाने अभी स्कूल भी उसका छुट्टी था वे ठीक नहीं होती है डॉक्टर ने स्कूल जाने के मना किया था थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया था हाथ को ही हुआ था चिकन पॉक्स की वजह से अभी फिलहाल ठीक है और फिर हाँ बच्चों हाँ उसके बाद हम लोग उसको स्कूल ले गए थे अच्छा दो दिन में ठीक हो गया और तबीयत थोड़ा खराब था बुखार था सर्दी ऐसे खांसी फिर अभी ठीक है और फिर मेरा भी थोड़ा तबियत खराब था मतलब बुखार हुई थी बहुत ज़्यादा बुखार मतलब 100 से ज़्यादा ऐसे बुखार थे 100 फिर अभी ठीक है तबियत देखिए अभी भी थोड़ा सही हो रही और गला भी बहुत दुख रहा है इसे इधर दुख रहा है खांसी नहीं कुछ लेकिन गला बहुत दुख रहा है अभी मैं फिलहाल आदम को भी दूध रोटी खिला ली फिर बाद में मैं अभी जाती हूँ मौसी ने पूरा बर्तन धो के गई मैं भी बर्तन लगा के लेती हूँ फिर आप लोग से मिलती हूँ आधा बर्तन मैंने लगा ली लेकिन आधा अभी ये क्या लगा रही हूँ मैं बर्तन फिर अभी मामा बिरयानी बनाएंगे फिर हम लोग बिरयानी खाएंगे फिर आप लोग से मिलते हैं।
ये देखिए मेरे बिस्तर का हालत क्या करके रखा था हमने, ये पूरे सामान ऐसे बिखरा हुआ है। और आज ये क्या हुआ, ये जो पर्दा लगाते हम लोग, ये पर्दा के ना आदम ने पर्दा खींच खींच के उसको तोड़ दिया, इधर से तोड़ दिया। फिर उसको अभी हम लगाने की है, फिर बाकी देखते क्या करने की, तो पूरी ये सब उठाने की मेरे को अभी। देखिए गाइस मैं अभी भिंडी कट लिए अभी बिल्टू को खिलाने के लिए, बच्चा मेरा भूखा था। अरे बिट्टू खा के लो, चलो खा के लो ये, ओके बोर्डिंग के बाद आप लोग को देखा है ना इसको। अरे बिल्टू हाय बोलो, हाय हाय, चलो खा के लो। हाँ जी गाइस, मैं अभी आदम का इसमें आलू की सब्जी बना रही हूँ, और इसमें हम लोग बनाएंगे सोयाबीन। सोयाबीन में गर्म पानी में भिगा के रखी हूँ अच्छे से, और फिर आदम का भी मैं आलू की सब्जी बना के लेती हूँ। बिरयानी के साथ अच्छा नहीं खाते है ना, बिरयानी के साथ अच्छा नहीं खाते नहीं। एक तो एक में से एक है। हेलो गाइस, ये देखिए आदम कैसे डांस कर रहे हैं। आदम अब कैसे खाते हो जिम जिम बिस्किट, देखो ऐसे कैसे बिस्किट, अरे देखो जिम जिम बिस्किट का हालत देखो, ऐसे कोई बिस्किट खाते कोई, ये देखिए गाइस ऐसे भी कोई बिस्किट खाते। हाँ आदम क्या खेल रहे हो भाई, बचपन का खेल रहे, मुंडी नहीं कुछ नहीं, क्या है सब। हेलो गाइस, मैं बहुत देर हो गया कुछ आदम में कुछ भी, मैं हेलो गाइस जैसे बोलती हूँ ना वो आके फिर मेरे बीच में कर रहे। देखो हेलो गाइस, बहुत दिन हो गया मैंने फेस का कुछ केयर नहीं की और मतलब कुछ लगाए भी नहीं, ये देखिए कैसे काला काला डार्क सर्कल है, और इसलिए मैंने आज आदम एक से मामा कुछ बात कर, और मैं इसलिए सोचता हूँ फेस पे एक लगाऊं, दिखाती हूँ आप लोगों को क्या लगा रही हूँ मैं। देखिए फेस पैक पे है कॉफ़ी है, और फिर मसूर दाल है, उसको मैं ये करके ले क्या अच्छे से पीस के लिए, उसके बाद हनी है और थोड़ा सा नींबू है, सब अच्छे से मिक्स करके अभी मैं लगाऊंगी। अभी हम फेस पैक लगाएंगे, हाँ सुंदर दिखेंगे, मैं सुंदर नहीं हूँ क्या, देखिए देखिए कैसे बदमाश का, कितनी बदमाश है बच्चा, क्या कर रहा जितनी उसको अभी ए लिखने आए ना, ए हर जगह पे ए लिख के रखे, पूरा घर का तो काला तो ऐसे करके रखे उसने, लेकिन हर जगह पे ए लिखना अच्छी बात नहीं है आदम, कोई भी नहीं लिखते। चलो मैं फेस पैक लगा, आदम प्लीज ये देखिएगा मैं ऐसे लगा करूंगी, इसमें स्क्रब भी अच्छे से होंगे और फेस पैक भी होगी, दोनों से एक साथ होंगी, फिर मैं आप लोग को लगाने के बाद रिव्यूज दे दू कैसा है, रिव्यू देती हूँ अच्छा या खराब है ना बेटू। हेलो गाइस, मैं अभी फेस पे पूरा पैक लगा लिया, ऐसे बात कर रही हूँ मैं, आवाज़ आ रही कि नहीं क्या, जो था थोड़ा बच गया था वो मैं हाथ पे लगाए, थोड़ा हाथ को स्क्रब किया, लेकिन आदम के इतने गर्भ में मामा गंदे लग रहे, निकाल दो निकालो, मुंह का तो नहीं निकाल, हाथ का निकाल दिया मैंने ऐसे थोड़ा सा धो के, आदम प्लीज ये मैं 10 मिनट रखूँगी उसके बाद धो दूंगी। कॉफी की खुशबू कितनी अच्छी आ रही है, आदम बोलते मामा कौन सी चॉकलेट है बेटा, ओरियो ओरियो बिस्किट, ये गार्डन में भी लगा सकते हैं लेकिन मैं अभी गार्डन में नहीं लगाए, तो फिर इसे मैं फेस पे लगा के लिए, बहुत दिनों बाद लगा है ये बदमाश स्पाइडरमैन बॉटल। आदम ना गाइस मैं जैसे फेस पे वगैरह लगाते ना उसको इतनी गुस्सा, इतनी गंदे लगते क्या, वो मेरे पास आ भी नहीं रहे, इसे दूर से चिल्ला रहे मम्मा मम्मा, ये सूखने के बाद मैं अच्छे से इसको घस के स्क्रब करूंगी अच्छे से, उसके बाद फेस वॉश से धोऊंगी। हेलो गाइस, अब भी मैं फेस धोकर इतनी अच्छा लग रहा है, एकदम पूरा सॉफ्ट एकदम क्लीन लग रहा है बेटा, मम्मा कुछ भी दो बन बस गए, आप लोग भी लगा सकते, बहुत अच्छा रिव्यू है, इतनी अच्छा लग रहे थे, सॉफ्ट लग रहा है, और इसमें कुछ नहीं कॉफ़ी है, और फिर जो अपना क्या बोलते इसको दाल, लाल जो लाल वाली दाल लेते हैं उसको कौन सी दाल बोलते हैं,
नाम भूल गई मैं, वो दाल मैंने पीस के ली। उसके बाद कॉफी में इसके फिर थोड़ा सा हनी और थोड़ा सा नींबू का रस 2-3 ड्रॉप, फिर दोनों मिक्स करके मैंने लगाए और फिर आधा घंटा 10 मिनट के बाद अच्छे सूखने दी। उसके बाद अच्छे से उसको स्क्रब किए और फिर अभी देखिए आप लोग के सामने स्किन। तो आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कल तो इंडिपेंडेंस है। इसमें आप लोग को एक चीज दिखाते हैं, आदम क्या पेंसिल लेके क्या, कौन सा बेबी है ये, कौन सा बेबी है भाई, कबर्ड में कौन सा बेबी है ये? मैं कुछ बोल रही मामा आपके में बेबी बना है, ऐसा कौन सा बेबी है भाई? आप ऐसा बेबी हो, ऐसा कैसा बेबी हो भाई? अरे गर्ल मुझे आपके पास ले जा रहा था। वैसा कैसा बेबी है? अरे ईगल का, ईगल का बेबी है। ईगल हाँ, और बेबी हाँ, मम्मा के पास ले जा रहा था वो। ऐसा है क्या? और मम्मा थे। लेकिन बेटा कबर्ड में नहीं लिखते ऐसा। और आपका कबर्ड का हालत देखो क्या है, ये एक कबर्ड है ये। कल कबर्ड लगा के लेंगे आपका। ओके पक्का? ओके बाय 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 बाय।